जदयू के तरफ से आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया तो अब आरसीपी सिंह बौखला गए हैं, गुस्से में हैं और अब उनके कार्यकर्ता जो हैं वो जदयू तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आरसीपी सिंह को ये बात पता हो और आरसीपी सिंह ने जानबूझकर अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे रखा हो कि आप लोग को जो मन वो करिए, मेरे तरफ से हाँ है। अब देखिए, आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं, जो उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो अब एक पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वो वायरल कर रहे हैं। पोस्टर आपके स्क्रीन पर है, देखिए किस तरीके से लिखा गया है कि कार्यकर्ताओं का अब मन है कि आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। जबकि आरसीपी सिंह को पता है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हाल में ही बनाया गया है, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राज्यसभा भेजे गए, और उसके बाद जब आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बन गए तब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब आरसीपी सिंह के समर्थक ये चाहते हैं कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए ललन सिंह को साइड करके। देखिए, ये बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आरसीपी सिंह को ये बात पता नहीं है कि उनके समर्थक सोशल मीडिया पर ये बातें वायरल करवा रहे हैं कि आरसीपी सिंह को जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाए। हालांकि आरसीपी सिंह से जब मीडिया कर्मी इस मामले में सवाल पूछेगा तो वो कह देंगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन उनके समर्थक जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से इन फोटो को, इस पोस्टर को तेज़ी से वायरल करा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आरसीपी सिंह को वो देखना चाहते हैं। यानी आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, मंत्री पद से अब उनको हटना पड़ेगा, तो अब उनको जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया जाए ताकि जदयू को वो फिर से चला सके अपने मन मुताबिक, और फिर जब मौका आए तो वो राज्यसभा अपने मन से चले जाए और फिर मंत्री भी बन जाए। देखिए, जहाँ एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरसीपी सिंह ने ये बात तो कह दी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन राज्यसभा जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, लेकिन आरसीपी सिंह अपने समर्थकों को खुला छूट दे रखे हैं कि आपको जैसे मन वैसे पोस्टर बनाइए, सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कहा यह जाता है कि सबसे अगर संस्कारी पार्टी है बिहार में तो जदयू है, क्योंकि जो नीतीश कुमार चाहते हैं जदयू के कार्यकर्ता भी वही काम करते हैं। आपको याद होगा कि बीते दिनों जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने एक लेटर जारी किया और उस लेटर में लिखा कि अब जदयू के किसी भी प्रकोष्ठ के जो लोग हैं वो अगर पोस्टर लगाएंगे तो उस पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर होगी और किसी की भी तस्वीर नहीं होगी। कार्यकर्ता ने इस बात को फॉलो किया और जब अब पोस्टर लगता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर होती है। लेकिन क्या आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं, जो जदयू के कार्यकर्ता और आरसीपी सिंह के जो समर्थक हैं, वो इस बात से अनजान हैं कि जदयू में अगर रहना है तो नीतीश कुमार के कही गई बातों को फॉलो करना पड़ेगा? लेकिन नहीं, आरसीपी सिंह के समर्थकों को खुला छूट है कि वो सोशल मीडिया पर जो चाहें वो वायरल करा सकते हैं, जैसे अभी वायरल करा रहे हैं एक पोस्टर बनाकर कि आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इस पोस्टर के वायरल होने के बाद आरसीपी सिंह का क्या बयान आएगा, हम वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।